नमस्ते, मैं हूँ श्रद्धा और आज हम बनाना सीखेंगे वर्ल्ड बेस्ट रिच रॉयल टेस्टी वाइट बिरयानी। यहाँ गैस पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल लिया है और इसमें हम थोड़ी बिरयानी की चीज़ें डीप फ्राई कर लेंगे, जो चीज़ें बिरयानी के टेस्ट को एनहांस करेंगे और वही चीज़ें हम बिरयानी के डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है ओनियन। हम ओनियन को पहले गोल्डन ब्राउन कलर में डीप फ्राई कर लेंगे। जब ये ओनियन डीप फ्राई हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम डीप फ्राई करेंगे ये पुदीना की कुछ पत्तियाँ और धनिया। इन पत्तियों को भी ड्रिप फ्राई करने से इनकी टेस्ट और भी बढ़ जाती है। यहाँ देख सकते हो ओनियन गोल्डन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसी ऑयल में डीप फ्राई कर लेंगे पुदीना और धनिया। ये भी अच्छे से डीप फ्राई हो गया है, अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब इस कढ़ाई में जो भी ऑयल बचा हुआ है यही ऑयल हम यूज़ करेंगे हमारी बिरयानी के लिए। तो ये ऑयल हम शिफ्ट करेंगे हमारी बिरयानी हांडी में। ये है मेरी बिरयानी हांडी और इसमें मैं अभी ये ऑयल शिफ्ट कर रही हूँ। मैंने अभी तक गैस की फ्लेम ऑन नहीं की है क्योंकि इस हांडी में पहले हम चिकन और राइस के लेयर लगाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन लिया है। यहाँ मैंने इस चिकन में थोड़ा कर्ड, दो कटे हुए ओनियन मतलब प्याज, स्वादानुसार नमक, थोड़ी अदरक लहसुन की पेस्ट, थोड़ी धनिया और पुदीना की पत्तियाँ और इसमें मैंने थोड़े गरम मसाले भी यूज़ किए हैं, जिसमें मैंने ऐड किए हैं 4-5 लौंग, 2-3 हरी इलायची, 1 मसाला इलायची, 2-3 तेज पत्ता और थोड़ा शाही जीरा और 3-4 हरी मिर्च बारीक पेस्ट की हुई। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें इस हाफ केजी चिकन में मैरिनेट किए हुए हैं और ये मैंने रखे थे 3-4 घंटों के लिए क्योंकि हमारा चिकन एकदम जूसी बन जाए। तो अब हम ये मैरिनेट किया हुआ चिकन इस हांडी में डालेंगे। इसके बाद 3-4 घंटे पहले मैंने ये बादाम पानी में भिगो कर रखे थे, तो इसका हम कवर निकाल लेंगे और इसे हम मिक्सी में बारीक कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो मैंने उन बादाम का बारीक पेस्ट कर लिया है। यहाँ हम थोड़े पानी का भी यूज़ कर सकते हैं और ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यह रेसिपी है एक रिच रॉयल वाइट बिरयानी की। तो यह रेसिपी, तो ये इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी में बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इस चिकन के ऊपर ये बादाम का पेस्ट ऐड कर लेंगे और ये लेयर हम ऐसे रखने देंगे, हम इसमें चम्मच से मिक्स नहीं करेंगे। बादाम पेस्ट का एक बहुत ही अच्छा लेयर इस चिकन के ऊपर मैंने लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर हमारा फ्राइड किया हुआ ओनियन और पुदीना के पत्तों का लेयर कर देंगे। इसमें से हाफ ओनियन और पुदीना धनिया के पत्ते हम यहाँ लेयर कर देंगे। इससे आप सोच सकते हो हमारी बिरयानी कितनी टेस्टी और जूसी और मस्त होने वाली है। इसके बाद हम इसके ऊपर पका हुआ चावल, यहाँ आप देख सकते हो मैंने ये बिरयानी राइस 80% कुक
कर लिए हैं। इसका प्रोसेस आप सभी को पता होगा, पहले वाटर को बॉईल करना है, उसमें स्वादानुसार नमक ऐड करना है और थोड़ा ऑयल ऐड करना है और इसे 80% पका लेना है। तो अब हम इस चावल का लेयर इसके ऊपर लगा लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, मैंने चावल की लेयर इसमें ऐड कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर वाला दूध। यहाँ मैंने थोड़े दूध में केसर ऐड कर लिया है। अब हम इसे राइस के ऊपर ऐड कर लेंगे और सबसे ऊपर हम इसमें ऐड करेंगे ये बचा हुआ फ्राइड ओनियन और धनिया पुदीना के पत्ते। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, अभी से इसे कितना अच्छे से रिच और रॉयल लुक आया है और ये बिरयानी इतनी ही टेस्टी भी बनती है जितनी कि ये अभी आपको नज़र आ रही है। अब सबसे लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दैट्स इट। अब हम इसे कवर कर देंगे लिड से। यहाँ मैंने आटे की लोई लिड को लगा कर रखी है और अब हम इसे पैक कर देंगे। तो यहाँ मेरी हांडी पैक हो चुकी है और यहाँ पर एक छोटा होल है, यहाँ पर भी हम थोड़ा आटा लगा लेंगे। और अब हम गैस ऑन कर देंगे हाई फ्लेम पे। करीब करीब 5 मिनट तक इसे हम हाई फ्लेम में ऐसे ही पकने देंगे, क्योंकि इसे नीचे से अच्छे से फ्लेम लग जाए। हांडी को फ्लेम पर रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब आप हांडी को शिफ्ट कर लेंगे और अब हम गैस पर रखेंगे लोहे का एक पैन। ये पैन भी हम गर्म कर लेंगे अच्छे से और ये पैन जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम ये हांडी इस पैन पर शिफ्ट कर लेंगे और करीब करीब 30 मिनट तक धीमे आंच पर हमारी रॉयल टेस्टी रिच बिरयानी पकने देंगे। ये पैन गर्म हो चुका है, अब हम हांडी को इस पर शिफ्ट कर देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। तो इस प्रकार से रेडी है हमारी रिच रॉयल टेस्टी स्पाइसी जूसी। इसे हम जितने भी नाम देना उतने नाम कम ही लगते हैं। तो एक बार आप ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जी हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ऐसी किसी खास रेसिपी के साथ। अब यहाँ मैंने गैस बंद कर दिया है, अब हम ओपन करेंगे लाइव आपके सामने ये वर्ल्ड बेस्ट व्हाइट बिरयानी। हांडी थोड़ी ठंडी हो चुकी है, अब हम साइड के आटे को थोड़ा लूज कर लेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। वाव! अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। कुछ इस तरह से एक एक चावल, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, निकल रहा है। ऐसे ही अच्छे अच्छे डिशेस खाते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।